ऊपर हाथ डालना पड़ेगा। हमारी अब जिम स्टार्ट करने की तैयारी है, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के लायक बने अंदर थोड़ी कूलिंग की व्यवस्था करना ज़रूरी था। तो आज हम लेकर आए हैं नया कूलर सिम्फनी का सूमो 115 लीटर वाला 115 XL मॉडल आई थिंक। अब इसको पानी भरने के लिए लगाया हुआ है, अकेले उठाया गया, इसका वेट अराउंड 16 kg। तो जिम के अंदर ये हमारा जो बेंच इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट तीनों हो जाते हैं इसके अंदर बेंच, ये रेस्ट करने के लिए यू नो बेस्ट प्लेस इन द जिम। रेस्ट करने के लिए सोफ़ा, एक डंबल उठाओ साथ में बैठ जाओ। वैक्यूम क्लीनर मैंने रखा हुआ है लेकिन यूज़ नहीं, मतलब यूज़ किया था कुछ खास सारा सोफ़ा वैसे ही मिट्टी से भरा हुआ। एनीवे वेट्स काफ़ी हैं इसमें, रबर के वेट्स हैं, ये 2.5 किलो की प्लेट है, 5 किलो 10, 15, 20 फिर डंबल्स हैं। ये वेट्स मेरे को पड़े थे अराउंड 105 रुपीज़ पर केजी, 105 रुपये पर केजी के हिसाब से टोटल। एनीवे टोटल बाद में बताता हूँ कितने। तो ये जो इसका बेंच है इसके अंदर कंबाइंड है, मल्टीपल लेवल्स तो हैं ही हैं, साथ में टॉप पे इस तरह से बार रख के स्क्वाट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इजी केबल मैंने ली थी एक बाइसेप्स के लिए, थोड़ा इंक्लाइन करके पड़ेगा बाइसेप्स को थोड़ी शेप लाने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा वेल्ड करवाया था इसके अंदर ताकि इसी के अंदर स्टैंड बन जाए, तो वेट्स के लिए अदरवाइज अलग से स्टैंड करीब 10-12 हज़ार का पड़ता है, तो इसके अंदर ही वेल्डिंग करवा के इसी के अंदर करवा दिया था वो वेट्स का स्टैंड। और यहाँ पे रबर की कुशनिंग है इसके अंदर बहुत मस्त। नहीं वे पीछे खड़े हो गए, इस एरिया में खड़े हो गए, यहाँ पे जो भी कर रहा है उसको स्पॉट कर सकते हो आप वेट्स वगैरह उठाने के लिए। सही है, ये शोल्डर पैड नेक सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग स्क्वाट्स। तो ये है 6 फीट की रॉड, ये आई थिंक 5 और 4 फीट में भी मैं बताऊँ 4 फीट है, 3 या 4 फीट वेटेस। तो ये हमारी एक सपोर्ट के लिए बेल्ट, बैक सपोर्ट के लिए, ये डेडलिफ्ट और या फिर बारबेल श्रग्स मारने के लिए ग्रिप्स, ग्लव्स, ये हमारी बॉल इसके लिए एब्स वगैरह मारने के लिए, और एक और कुर्सी और एक और कुर्सी। सही है, जगह काफ़ी है। अभी मैं 2 रबर मैट्स भी यहाँ रख दूँगा जिसके ऊपर वेट्स रखे जाएंगे। तो ऐसे 2 ये आ जाएंगे रबर मैट्स, 2 ही मैंने लिए थे डेडलिफ्ट वगैरह करने के लिए, इतना डिस्टेंस सफिशिएंट है। तो ये वेट आराम से सह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस बेंच यहाँ सेंटर में रख देंगे और ये स्प्रिंग लोडेड क्लिप्स हैं इसके, वेट सिक्योर रहते हैं इसमें मस्त। मैं पहले मेरे पास जो थे वो थोड़े थ्रेडेड टाइप थे, उसका बहुत पंगा रहता है, खोलो बंद करो। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है हमारे सेटअप का, यहाँ आप देख सकते हो राइट साइड में टॉप पे मेरा वाइट बोर्ड जिस पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिख देता हूँ जो मैं आपको बता रहा होता हूँ स्ट्रीम पे, कि मैं हमारी जो मेमोरी है एकदम जो ख़त्म मेमोरी है उसको थोड़ा फ्रेश रखने के लिए हम लॉन्डो के नाम लिखते हैं इसके ऊपर। एनीवे और भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ लॉन्डो के नाम नहीं लिखते लॉन्डियों के नाम भी लिख लेते हैं। तो इसके एकदम पीछे ग्रीन स्क्रीन के जस्ट पीछे है हमारी ट्रेडमिल, ये एसी मोटर वाली ट्रेडमिल है, इसकी कंटिन्यूस रनिंग आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अराउंड 50,000 रुपीज़ की पड़ी थी, 3 साल पहले ली थी, और इस पर जो दो हमारे चूचे हैं वो बहुत भागना पसंद करते हैं हमसे ज़्यादा, मेरे को तो कच्चा पहन के भागने नहीं देते। उसके अलावा ऊपर जो जिम वाले एरिया में चले जाएं वहाँ जाके भाई अपनी मस्ती इनकी चालू, कि हमें भागने दो, हमें बॉडी बनानी है, बाहर भी मस्ती मारते रहेंगे जाके। बस भाई जिम रेडी है अपना। हाँ तो टोटल सेटअप कितने का पड़ा? टोटल सेटअप ये स्टैंड करीब 13,000 का था, तो और ये बेंच भी काफ़ी महंगा, तो टोटल सेटअप इंक्लूडिंग दीज मैट्स शोल्डर पैड एवरीथिंग इज अराउंड 40,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज एंड एवरीथिंग, 39,000 या 40,000 के आसपास का है। बाकी जो जिम की एक्सरसाइज होंगी बेटा वो बाद में दिखाई जाएंगी, आज से प्रोग्रेस स्टार्ट हो रही है भाई की। चलो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।